रीवा में इन दिनों एक से बढ़कर एक भू माफिया सक्रिय है, खासकर शासकीय जमीन चाहे ग्रीन जोन की हो या आवासीय कॉलोनी में, जिसे जितना मिल रहा है उतना कब्जा करने में जुटा हुआ है। ताजा मामला छोटी दरगाह के पीछे का है, जहां सुबह एक अतिक्रमणकारी को नगर निगम कर्मियों ने हटाया तो दूसरे की शिकायत पर एक अन्य व्यापारी के द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही दीवार भी हटाई गई, जिसके बाद नगर निगम अमले पर व्यापारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष वर्ग के लिए छूट दी जा रही है, जबकि उसके द्वारा अपनी पुरानी जर्जर दीवार को सुरक्षित करने के लिए दीवार उठाई जा रही थी, जिसे गिरा दिया गया। आपको बता दें कि छोटी दरगाह के पीछे काफी जमीन खाली पड़ी है, जिसमें अतिक्रमण के लिए राजनीतिक पहुंच के लोग दमखम लगा रहे हैं। हालांकि नगर निगम अमले ने गंभीरता से लेते हुए दोनों अतिक्रमण को हटा दिया है। आइए आपको सुनाते हैं अवैध रूप से बना दीवार निर्माण कर रहे व्यापारी ने क्या आरोप लगाया है। मनोज बजाज, क्या आप ये दीवार क्रैक थी, दीवार की रिपेयरिंग करा रहा था। लोग क्या है, रात पे शराब पी के यूरिन करते हैं, यहाँ कचरा फेंकते हैं, पूरी बदबू आती है। रिपेयरिंग करा रहा था तो अब आप देख रहे हो, 181 में कंप्लेन करो तो 5 दिन में प्रशासन नहीं जगता है। हमारा 2 फुट का इनको दिख गया अतिक्रमण है, एक विशेष समुदाय के प्रति जो भी रखते हैं भावना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या कार्रवाई किसी के साथ नहीं हुई, सिर्फ मेरे साथ हुई। मेरी वॉल को गिरा दिया गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ, दीवार भी क्रैक है, आप लोग देख ही रहे हो, आपके वीडियो में है, दीवार क्रैक थी तो दीवार क्रैक का मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, सर बनवा ले दीजिए मेरे लिए, कभी वॉल गिर गई अगर। ये लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारी है, हमारी है, सरकार बोलती हमारी है, भगवान जाने। बाकी एक विशेष समुदाय को जमीन आवंटन हो जाती है, हमें आपको नहीं होगी, हम आप लेके दिखा दे, यह हाल होगा। तो ये क्या कल कुछ वाल क्रैक है मेरी वॉल, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से कि अगर वो गिरी और कोई मरा या घायल हुआ, उसका पूरी जवाबदारी प्रशासन की है। नहीं 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 गलत बात, मैं तो दिन में उठा रहा हूँ दीवार आपके सामने है, और मैं कोई बहुत मजबूत दीवार नहीं हूँ। क्या नाम से संचालित है यहाँ पे जी? दुकान किस नाम से संचालित है? दुकान तो भाई की है। तो ठीक है, दीवार आपने देखी बहुत वीक है, कोई बहुत मजबूत नहीं उठाई, मैं तो सिर्फ बाथरूम और कचरा रोकना चाह रहा था। यहाँ पे इतना कचरा कोई फेंक के जाता है, आज तक तो कोई सुनने नहीं आया। प्रशासन को दीवार दिख रही है, कचरा नहीं दिख रहा है, बदबू नहीं दिख रही है ना, बोलते हैं कोविड में हम साफ सफाई करेंगे, क्या खाक कोविड में साफ सफाई करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्रशासन की लापरवाही है साहब, दो दो गुट बटे हुए हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके बगल में ही जस्ट और अतिक्रमण, बहुत अतिक्रमण है भाई साहब, इनकी रातों रात बनती है, मैं तो दिन में बनवा रहा हूँ, उनकी रातों रात बन रही है भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज बजाज। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।